हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे बेटा सब लोग? बेटा, आज हम बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा के बारे में। 11th जो क्लास है उसका चैप्टर है एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में हम लगे हुए हैं। इनवर्टिब्रेट वाला सेक्शन आज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इकाइनोडर्मेटा फाइलम पे हम आ गए हैं धीरे धीरे। तो अब बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा फाइलम के बारे में। बेटा, इसको ध्यान से, आप इस वर्ड को ध्यान से पढ़ो, इकाइनो डरमेटा। इकाइनो का मतलब होता है बेटा कांटे, यानी स्पाइन्स। एंड माय डियर, डर्मा मीन्स स्किन, इट मीन्स स्पाइनी स्किन्ड एनिमल, यानी वो एनिमल जिनकी जो स्किन होती है उस पे कांटे हैं। ठीक है, तो स्किन के ऊपर ऐसे ऐसे क्या होते हैं, बॉडी पे ऐसे ऐसे स्पाइन्स होते हैं। ठीक है, तो उसको इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। तो इनकी बॉडी में क्या होता है, एंडोस्केल्टन होता है, यानी ये जो कांटे होते हैं इसी को एंडोस्केल्टन बोला। और ये एंडोस्केल्टन किसका होता है, कैल्केरियस ओसिकल्स का, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की बोन्स का। ओके, कैल्केरियस ओसिकल्स यानी कैल्शियम कार्बोनेट की जो बोन्स होती हैं उसका ये स्केल्टन होता है। एंड दिस इज प्रेजेंट इन डर्मिस रीजन। ठीक है, ये एपिडर्मल नहीं है, ये डर्मिस में होता है। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सो दे हैव एन एंडोस्केल्टन ऑफ कैल्केरियस ओसिकल एंड दीज ओसिकल्स आर डर्मल ओसिकल्स। एक्चुअली इसके जो कांटे होते हैं वो एपिडर्मल नहीं, डर्मल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो डर्मिस है, हमें पता है अपर लेयर एपिडर्मिस होती है, उसके बाद जो होती है वो डर्मिस होती है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की बोन्स लाइक स्ट्रक्चर बनती हैं, और ये बोन्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऊपर की ओर उठ जाती हैं, और हालांकि इनके ऊपर एपिडर्मिस की भी कवरिंग भी है। तो ये जो ग्रोथ हुई है बेटा, ये डर्मिस के अंदर होती है, ना कि एपिडर्मिस। ठीक है, तो इसीलिए ये जो डर्मल एंडोस्केल्टन है बेटा, ये जो फीचर है ये इसमें कॉर्डेट लाइक फीचर है, क्योंकि डर्मिस का जो ओरिजन होता है माई डियर, दैट इज मीजोडर्मल। ऐसा ओरिजन होता है डर्मिस का, डर्मिस का ओरिजन बेटा मीजोडर्मल होता है। और हमारी जो हड्डियां होती हैं, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो भी मीजोडर्मल होता है। इसका मतलब इनका जो स्केलेटन सिस्टम है वो हमारे स्केलेटन सिस्टम की रुडिमेंट्री फॉर्म है। इसीलिए स्केलेटन सिस्टम के बेस पे बेटा हम इनको कह सकते हैं कि ये कोर्डेट जैसे होते हैं। इसलिए इकाइनोडर्मेटा के कई फीचर आपको देखने को मिलेंगे जो कोर्डेट के जैसे होते हैं। तो उम्मीद है रक्षाबंधन का त्यौहार आप लोगों का भी अच्छे से बीता होगा, है ना? सो हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा एंड ऑलमोस्ट फ्री लिविंग, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है, ऑलमोस्ट सारे जो ऑर्गेनिज्म है दे आर फ्री लिविंग। ओके डियर, एंड दे आर ऑल मेरीन। दिस फाइलम एंड हेमिकोर्डेटा एंड टीनोफोरा, दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। एक भी एनिमल फ्रेश वाटर में नहीं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। और बेटा यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एडल्ट है, एडल्ट है वो रेडियल सिमिट्री, बट लार्वा इज बाइलेटरल। इसका मतलब इसका जो लार्वा होता है, लार्वा जो होता है ये ज्यादा एडवांस होता है, क्योंकि बाइलेटरल सिमिट्री को ज्यादा एडवांस माना जाता है। लेकिन बाद में जब एडल्ट बनता है तो सिमिट्री जो होती है वो रेडियल हो जाती है, बाइलेटरल से रेडियल हो जाती है। तो इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामोर्फोसिस। क्या बोल सकते हैं बेटा? रिट्रोग्रेसिव मेटामोर्फोसिस। तो ये शो करते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि लार्वा जो है वो एडवांस है। किस किस मैटर में, किस मैटर में? इन केस ऑफ सिमेट्री, राइट? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सही बात है। दे आर सिलोमेट, ये बात भी सही है। हमें पता है सिलोमेट में एस्केलमेन थी, स्यूडो सिलोमिक थी, उसके बाद एनेलिडा से सिलोमेट स्टार्ट हो गए थे। लेकिन माय डियर, शुरू वाले जो सिलोमेट थे उनके सिलोम बनने का तरीका अलग था। मीजोड्रम के अंदर स्प्लिट यानी कट के बड़ा होने से बनता था। यहाँ पे जो सिलोम है, एंडोड्रम के ऊपर पाउच बनते हैं, एंडोडर्मल पाउच, वो आपस में मिलके सिलोम बनाते हैं। एंड माय डियर, इस टाइप के सिलोम को हम बोलते हैं एंटेरोसिलोम। इसका मतलब यहां से एक अलग टाइप के सिलोम की शुरुआत हो जाती है, जो कि हेमिकोर्डेटा में भी होता है और कोर्डेटा में भी होता है। इसका मतलब ये सिलोम इनकी कोर्डेट की सिलोम जैसी है,
इसका मतलब ये करेक्टर भी इनमें कोर्डेट के करेक्टर जैसा है। ओके डियर, एनसीईआरटी की लाइन है ब्लैक लाइन, रेड लाइन है एक्स्ट्रा चीजें, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं इतना बस करो, आपके पास जितनी भी किताबें हैं ना सबको बंद करके रख दो, किताबें तो लाइब्रेरी में बहुत होती हैं, किताबों का घर भर लेने से एग्जाम क्लियर नहीं होता, एग्जाम क्लियर होता है उन चीजों के सीखने और पढ़ने से जो पेपर में आती है। ठीक है, पेपर में क्या आता है बायो में 90% एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन का पता हो और याद हो और उससे आसपास की कुछ बातें पता। नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका, ये जो आप देखो वीडियो, जो रेड कलर की लाइनें हैं उनको एनसीईआरटी में लिख लो, बन गए नोट्स और कुछ नहीं कर। ठीक है डियर, चलिए आगे चलते हैं। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, लेट्स सी देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। माय डियर, देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो कंप्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब होता है, जिसमें दो ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग माउथ होती है और एक ओपनिंग एनस होती है। बेटा इसका जो माउथ होता है दैट इज ऑन लोअर सरफेस, ठीक है, दैट इज ऑन लोअर सरफेस, और जो एनस होती है दैट इज ऑन अपर सरफेस। मान लो ये इकाइनोडर्मेटा है, ये इकाइनोडर्मेटा का लोअर सरफेस है, ठीक है, जो लोअर सरफेस है बेटा वेंट्रल सरफेस, यहां पे माउथ है, ठीक है, और जो एनस है ये ऊपर डोर्सल सरफेस, ये डोर्सल सरफेस के ऊपर एनस है, यानी माउथ नीचे है एनस ऊपर है। जो माउथ वाली सरफेस होती है बेटा उसको हम लोग ओरल सरफेस भी, उसको हम लोग ओरल सरफेस भी बोल देते हैं। एंड माय डियर, जो एनस वाली होती है उसको हम लोग एबोरल सरफेस भी बोल देते हैं। ओके डियर, चलिए आगे बॉडी फॉर्म की बात करते हैं। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, डिस्टिंक्टिव मतलब सबसे यूनिक फीचर इकाइनोडर्मेटा का क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, नॉट वाटर कैनाल, वाटर वेस्कुलर सिस्टम की प्रेजेंस होना इनके अंदर सबसे यूनिक फीचर माना जाता है। ये सिस्टम किस काम में हेल्प करता है बेटा, लोकोमोशन में हेल्प करता है। कैसे, एक्चुअली क्या होता है, इसकी बॉडी में जब पानी जाता है, जब पानी बाहर निकलता है तो नियर बाय वॉटर को प्रोपेल करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट, वो काम आएगा। जब वाटर का जेट बॉडी से बाहर निकलता है तो उसकी हेल्प से इसकी बॉडी आगे की ओर पुश होती है, इसका मतलब लोकोमोशन में तो हेल्प किया। इसके अलावा बेटा जो वाटर मस्कुलर सिस्टम होता है उस पर ट्यूब फिट एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और ये जो ट्यूब फिट होते हैं ये जो फूड होता है इनका उसको कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, इसीलिए कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, उसमें भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करेगा। ओके, चलिए और क्या, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, सांस लेने। बॉडी के अंदर जब पानी अंदर जाता है, जब पानी अंदर जाता है तो ऑक्सीजन भी अंदर जाएगी, ठीक है, न्यूट्रिएंट भी अंदर जाएगी। ओके, इवन माय डियर, जब वाटर बाहर जाता है तो वेस्ट बाहर जाएगा, इसका मतलब माय डियर ये एक्सक्रीशन में भी काम करता है, एक्सक्रीशन में भी ये काम करता है, बट बेटा ये रिप्रोडक्शन में काम नहीं करता। वाटर कैनाल रिप्रोडक्शन में काम करता है, लोकोमोशन में काम नहीं करता, ध्यान रखना ये बात, ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन में काम नहीं करता, यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम से गैमिट की मूवमेंट नहीं होती। स्पॉन्जीज में वाटर कैनाल सिस्टम था, वहां पे गैमिट की मूवमेंट होती है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं, तो यानी यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम डेवलप होने से काफी चीजें रिड्यूस हो गई, इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रिड्यूस हो गया, ठीक है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें रिड्यूस हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी रिड्यूस हो गया क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से काम चल रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी रिड्यूस हो गया और बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम भी रिड्यूस हो गया, ठीक है, तो यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई है नहीं, अपने आप पानी से गैसेस आ रही हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड इसमें नहीं होता कुछ ऑर्गेनिज्म को छोड़कर, तो यानी
रिड्यूस्ड रेस्पिरेशन, रिड्यूस्ड एक्सक्रीशन, रिड्यूस्ड सर्कुलेशन एंड रिड्यूस्ड डाइजेशन. सो दीज आर रिड्यूस्ड फीचर, दीज आर लेस एडवांस फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा. कई बार क्वेश्चन आता है कि इकाइनोडर्मेटा का कौन सा फीचर लेस एडवांस है, तो ये चारों फीचर लेस एडवांस है. विच इज मोर एडवांस फीचर? प्रेजेंस ऑफ एंटेरोसिलोम. ओके, प्रेजेंस ऑफ एंटेरोसिलोम. इसके अलावा मिजोडर्मल स्केल्टन, ड्यूट्रोस्टोमिक इवोल्यूशन. ड्यूटेरोस्टोमिक का मतलब क्या होता है? एनस का पहले बनना. ठीक है, ये तीन एडवांस फीचर माने जाते हैं जो कि कोल्डेट जैसे होते हैं, याद रख लोगे ना? आगे देखते हैं. माय डियर, सेगमेंटेशन एब्सेंट है, एनसीईआरटी कहती है, बिल्कुल सही बात है. एपिडर्मिस पे सीलिया होते हैं, सिलिएटेड एपिडर्मिस है. ठीक है, एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है. मैंने बताया था कि जब पानी बाहर निकलता है तो उसी के थ्रू वेस्ट बाहर चला जाता है. सेक्सेस आर सेपरेट, यहां भी लड़का लड़की अलग अलग होते हैं, यानी दे आर यूनिसेक्सुअल. इनके अंदर भी गोनाइड्स होते हैं, इनके अंदर भी क्या होते हैं? गोनाइड्स होते हैं, यानी मेल अलग है, ये फीमेल अलग है. लेकिन बेटा कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता, मतलब मेल में कोई स्ट्रक्चर नहीं होती जो फीमेल के अंदर गैमिट को छोड़ आए पेनिस लाइक. तब क्या करें? मेल बेचारा अपने गैमिट पानी में छोड़ देता है, फीमेल भी उसके पास अपने गैमिट यानी एग्स को पानी में छोड़ देती है. ये गैमिट पानी में मिल जाते हैं, इनसे जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट से फिर नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. तो माय डियर, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ कि एक्सटर्नल हुआ? तो मैं तो कहूंगा एक्सटर्नल हुआ. क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ क्योंकि मेल फीमेल अलग अलग है. जाइगोट जो होता है वो पहले लार्वा बनाता है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसके अंदर होता है क्योंकि लार्वा जो होता है वो फ्री स्विमिंग इनमें लार्वा बनता है. आगे बताऊंगा क्या नाम है लार्वा के. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड यूनिसेक्सुअल, दिस इज फीचर ऑफ दीज एनिमल रिगार्डिंग देयर रिप्रोडक्शन. क्लियर है डियर? ओके, सही है ना? चलिए, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, सही बात है. फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा, आगे बताऊंगा लार्वा के नाम, यूनिसेक्सुअली यूजुअली. ठीक है, क्लियर? एनसीईआरटी की लाइन क्लियर है? एग्जांपल आ जाते हैं. एनसीईआरटी जी हमें क्या क्या एग्जाम्पल इस फाइलम के देती है. माई डियर, एस्टेरेसिया, एस्टेरियास के अंदर आता है स्टारफिश, स्टार लाइक बॉडी होती है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्टारफिश. इकाइनस, इकाइनस सी अर्चिन, इनकी जो बॉडी होती है वो स्टार लाइक हो सकती है, ग्लोब लाइक भी हो सकती है, और बेटा सिलेंड्रिकल भी हो सकती है. ठीक है, तो ग्लोब लाइक बॉडी होती है किसकी? सी अर्चिन की. ठीक है, और सिलेंड्रिकल बॉडी होती है किसकी? कुकुम्बर की. तो कुकुम्बर को क्या बोलते हैं? कुकुमेरिया. सी कुकुम्बर, समुद्री खीरा, जो हम खीरा खाते हैं ना सैलेड के अंदर, उस जैसा होता है, इसलिए समुद्री खीरा बोल देते हैं. एंटीडन सी लिली, ओफियूरिया ब्रिटल स्टार. नाउ सिमिलरिटी विद कोल्डेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. कौन सा करेक्टर है जो इनमें कोल्डेट के सिमिलर माना जाता है? माय डियर, ट्यूब इन ट्यूब प्लान. हालांकि ट्यूब इन ट्यूब प्लान की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है, ठीक है, बट इनमें भी है. तो ये एक्सक्लूसिव कोऑर्डिनेट नहीं है, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अदर फाइलम. ट्यूब इन ट्यूब प्लान की शुरुआत हो जाती है अपने कहां से? एस्केलमेंथी से ही. लेकिन बेटा जो ट्यूब इन ट्यूब प्लान होता है इनका, इनके ट्यूब इन ट्यूब प्लान के अंदर एनस जो होती है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, वो पहले बनती है. एक ओपनिंग होती है ब्लास्टोफोर, तो ब्लास्टोफोर से जो डेवलप होकर स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज एनस. एनस पहले बनता है, माउथ बाद में बनता है, इसीलिए बेटा इसको बोल देते हैं ड्यूटेरोस्टोमिक इवोल्यूशन. तो ये जो ड्यूटेरोस्टोमिक इवोल्यूशन है, ये किसके रिस्पेक्ट में है? ट्यूब इन ट्यूब प्लान के रिस्पेक्ट में. ट्यूब इन ट्यूब प्लान में एनस जो होती है, यानी इनका ट्यूब इन ट्यूब प्लान हमारे ट्यूब इन ट्यूब प्लान जैसा, यानी कोर्डेट के ट्यूब इन ट्यूब प्लान जैसा है. ऐसा नहीं है कि ट्यूब इन ट्यूब प्लान पहली बार आया है,
ऐसा ऐसा ट्यूबिन प्लान पहली बार आया है जो कोर्डेट में, कोर्डेट में कैसे वाला है, एनस पहले माउथ वाले में, जिस स्ट्रक्चर से बनता है ब्लास्टोफोर। ओके डियर, चलिए देन सी इंटरोसिलोमिक। यहां पे क्या होता है, मैंने बताया कि जो एंडोड्रम होती है जिससे एलिमेंट्री कैनाल बनती है उसके ऊपर पाउच होते हैं, पाउच मिल जाते हैं, मिलने से सिलोम बनता है। ठीक है, तो ये फीचर जो होता है ये कोर्डेट लाइक फीचर है। एंड मीजोडर्मल स्केल्टन, मैं आपको बता चुका हूं, हमारा जो स्केल्टन सिस्टम है, हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, हमारा जो ब्लड और लिम्फ वगैरह होता है, सबका डर्म ओरिजिन क्या होता है, मीजो डर्मल। ठीक है, तो इनका ओरिजिन भी स्केल्टन का मीजो डर्मल है, इसीलिए फीचर हम जैसा है। तो एनसीआरटी जी ने हमें ये बातें बताई। ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये स्टारफिश है, ये देखो इसकी बॉडी की ये ब्रांचेस हैं, ये कांटे से हैं ऊपर, ये ब्रिटल स्टार है, ये स्टारफिश ब्रिटल स्टार, ये सी लिली है, ये सी कुकुम्बर है। ठीक है, ये इकिनोइड्स है, जो ग्लोबुलर बॉडी मैंने बोला था, यानी सी अर्चिन जिसको हम लोग बोल देते हैं। बेटा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताया करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हमें भी अच्छा लगे, कोई कमी है तो वो बताया करो। चैनल का नाम है एजुकेशन फॉर ऑल नीट। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज आप जरूर हम लोगों को बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेटा कुछ और बातें हैं जो एनसीआरटी से गायब है, जैसे कि इसमें एक वर्ड आता है पेडिसिलेरिया। ये पेडिसिलेरिया क्या होते हैं, देखो मैं बताता हूँ। मान लो ये एनिमल की बॉडी की एक आर्म है, मान लो स्टारफिश की एक आर्म है, ये एक ही आर्म बना रहा हूं मैं। इसमें बेटा बीच में ऐसे हल्का सा डिप्रेशन होता है, ऐसे ये जो हल्का सा डिप्रेशन होता है इसको बेटा कहते हैं एम्बुलेक्रल ग्रूव। क्या बोलते हैं बेटा, एम्बुलेक्रल ग्रूव बोलते हैं। जैसे मान लो ये स्टारफिश की एक आर्म है, ये देखो इसमें डिप्रेशन बन गया, ये डिप्रेशन, तो ये आर्म जो है इसके अंदर जो डिप्रेशन है दैट इज एम्बुलेक्रल ग्रूव। ठीक है, ऐसे। अब इसके जो स्पाइंस होते हैं बेटा, इसके जो कांटे होते हैं, ये ऐसे स्पाइंस के बीच में, स्पाइंस के बीच में एक पिंसर लाइक स्ट्रक्चर होती है। पिंसर का मतलब होता है बेटा सीजर लाइक, कैंची की तरह। ठीक है, इसपे तीन वाल होती है, ऐसे दो वाल ऊपर होती है, एक वाल नीचे होती है। ये पहले ऐसे जुड़ी हुई रहती है, एकदम फिर ये ऐसे खुल जाती, तीनों वाल फिर जुड़ जाती, फिर खुल जाती। इसका लॉजिक ये है, मान लो ये तीन वाल ऐसे हैं, इनके ऊपर अगर मिट्टी वगैरह डेब्रिस वगैरह जमा हो जाता है, फिर ये वाल जब एकदम ऐसे खुलती हैं वो डेब्रिस को हटा देंगी। यानी जो पिंसर लाइक स्ट्रक्चर है स्पाइंस के बीच में, इसका काम है बॉडी को साफ रखना, ताकि जो स्पाइंस हैं उनके बीच में या जो आर्म है उसके ऊपर जो डस्ट वगैरह, जो डेब्रिस वगैरह, जो एल्गी वगैरह की ग्रोथ हो जाती है वो हट जाए और बॉडी साफ हो जाए। ये तीन कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट की बनी होती हैं, इन प्लेट्स को बेटा वाल्व भी बोल देते हैं। क्लियर, वेस्ट जो होता है ये बाहर निकलता है कैसे, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। एक्चुअली क्या होता है, इसकी बॉडी की जो सिलोम होती है माय डियर, इसकी बॉडी की जो सिलोम होती है दैट इज रिड्यूस्ड इनटू, दैट इज रिड्यूस्ड इनटू वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इसकी जो बॉडी की सेल होती है, इसकी जो बॉडी की सेल होती है वो वेस्ट को बॉडी की कैविटी में डालती है, यानी सिलोम में। वहां से वेस्ट वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू जब वाटर बाहर निकलता है तो वेस्ट भी बाहर चला जाता है। क्लियर, पानी में रहते हैं तो वेस्ट यूजली क्या होता है, अमोनिया। डाइप्लूरा और बाइपिनेरिया, बेटा इनके लार्वा का नाम है, बाइपिनेरिया का नाम मेनली याद रखना है जो कि स्टारफिश के लार्वा का नाम है। एक और लार्वा हमें याद रखना है, दैट इज ओरिकुलेरिया, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओरिकुलेरिया जो होता है सी कुकुम्बर का लार्वा होता है,
और बेटा ओरिकुलेरिया लार्वा को साइंटिस्ट ज्यादा डेवलप मानते हैं, ठीक है, और ये मानते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच का। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, किस लार्वा को कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, दैट इज ओरिकुलेरिया। आगे देख लेते बेटे, रेडियल नर्वस सिस्टम इनकी बॉडी में प्रेजेंट है। अब रेडियल नर्वस सिस्टम का मतलब ये होता है कि इस तरीके से एक सेंट्रल नर्व रिंग है और इस सेंट्रल नर्व रिंग से बेटा रेडियल नर्व कोड निकलती हैं। क्या निकलती हैं बेटा? रेडियल नर्व कोड ऐसे। और ये रेडियल नर्व कोड किसके अंदर है बेटा? आर्म्स के अंदर। ये मान लो आर्म हो जाती हैं, तो ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हर एक आर्म को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल जो रिंग है, ये सेंट्रल रिंग होगी, इसमें से बेटा ये नर्व कोड निकल रही है और इनको हम क्या बोलेंगे? रेडियल नर्व कोड। देखो सेंट्रल नर्व रिंग है, उसमें से रेडियल नर्व कोड निकलती है और हर एक आर्म में फैल जाती है। जो बेटा स्टारफिश होती है उसमें काफी ऑटोटोमी देखने को, यानी रीजनरेशन भी देखने को मिलता है। स्टारफिश अपने प्रे को कंफ्यूज करने के लिए जानबूझकर अपनी आर्म को काट देता है, जिससे प्रे कंफ्यूज हो जाता है। और जब ऑर्गेनिज्म खुद अपने पार्ट को काटता है, दैट इज ऑटोटोमी। जैसे छिपकली की पूंछ अपने आप कट जाती है जब आप उसके पीछे लगते हो तो, या कोई दूसरा एनिमल उसके पीछे लगता है तो, लेकिन बाद में वो ग्रो भी कर जाती है। सो दैट इज रीजनरेशन। ओके डियर, हर एक जो आई है उस पे ब्राइट रेड आई है हर एक आर्म के ऊपर। यहाँ पे ऐसे रेड आई होती है इसमें हर एक आर्म के ऊपर। इसके अलावा ये बेटा स्टारफिश में एक्सटर्नल फीचर होता है, इसमें डर्मल ब्रांकिए होते हैं, स्पाइंस के बीच में स्ट्रक्चर होती है डर्मल ब्रांकिए, ठीक है, ये मॉडिफाइड डर्मिस का पार्ट है। तो डर्मल ब्रांकिए का जो काम होता है बेटा वो रेस्पिरेशन होता है, यानी ये एसेसरी ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेशन के, तो रेस्पिरेशन में थोड़ा हेल्प करते हैं। ओके, तो ये एक्स्ट्रा फीचर है। जो सी कुकुम्बर होता है उसकी जो क्लोइका होती है वहां पे एक रेस्पिरेटरी ट्री होता है जो एडिशनल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है सी कुकुम्बर का। तो एडिशनल रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्टारफिश का डर्मल ब्रांकी है, एडिशनल रेस्पिरेटरी ऑर्गन सी कुकुम्बर का रेस्पिरेटरी ट्री। ओके डियर, आगे बढ़ देते हैं। अब बेटा क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी से गायब है, वो बता देते हैं थोड़ा। एक क्लास है होलोथ्रीडिया। होलोथ्रीडिया के अंदर वो एनिमल आते हैं जिसकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। जब सिलेंड्रिकल बॉडी है तो उसमें आर्म्स नहीं होंगे। एग्जाम्पल है सी कुकुम्बर, यानी होलोथ्रीडिया और सी कुकुम्बर, और इसको कुकुमेरिया भी बोल देते हैं। दूसरी क्लास है बेटा क्रिनोइडिया। क्रिनोइडिया की जो बॉडी होती है, बॉडी विद अ सेंट्रल डिस्क, दिस इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज सेंट्रल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पे बेटा ऐसे आर्म्स होती हैं, और आर्म्स जो होती हैं बेटा वो ऐसे ब्रांच्ड होती हैं, तो ब्रांच आर्म। एम्बुलेक्रल ग्रू क्या होता है? जो आर्म होती है उसके बीच में ऐसे डिप्रेशन होता है, ये डिप्रेशन जो है, ठीक है, तो ये एम्बुलेक्रल ग्रू में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है बेटा सी लिली एंड फीडर स्टार। सी लिली और फीडर स्टार इसका एग्जाम्पल है। बता रहा हूं जितनी किताबें हैं रख दो समेट के, जो मैं बता रहा हूं इस तरीके से पढ़ लो। बायो में आपके 350 से अबो मार्क्स आ जाएंगे, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे पढ़ोगे। एस्टेरिडिया स्टार लाइक बॉडी होती है, फ्लैट बॉडी होती है, फाइव आर्म्स होती हैं, लेकिन ये जो पांच आर्म होती हैं ये एक दूसरे पे ओवरलैप होती हैं। जैसे मान लो ये एक आर्म है, ये दूसरी आर्म है, ऐसे तीसरी आर्म है, ऐसे फोर्थ है, ऐसे फिफ्थ है, मतलब ये पता नहीं चलता कि कौन सी आर्म कहां से निकल रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि द आर्म शार्पली नोट मार्क्ड ऑफ, यानी आर्म कहां से निकल रही है, जैसे ये आर्म कहां से निकल रही है आइडिया ऐसा लगाना पड़ेगा। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे होता, ये आर्म ऐसे यहां से निकला, फिर थोड़ा गैप यहां से निकला, फिर ये गैप यहां से निकला, फिर ये गैप यहां से निकला, फिर यहां से, तो इस वाली सिचुएशन को बोलते हैं आर्म्स शार्पली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम सेंट्रल डिस्क, यानी सेंट्रल डिस्क से आर्म जो है वो अच्छे से निकलती हैं, ठीक है, बट स्टारफिश में अच्छे से
नहीं निकलती। एम्बुलेक्रल ग्रू होता है, पेडिसलेरिया होता है वो साफ करने वाली प्लेट, ठीक है। एग्जाम्पल है स्टारफिश। ओके बच्चा, चलिए देन माय डियर, ओफिरिडिया, ओफिरिडिया की बॉडी जो होती है दैट इज स्टार लाइक बट आर्म्स शार्पली मार्क्ड ऑफ। आर्म शार्पली मार्क्ड ऑफ यानी इस तरीके से ये एक आर्म निकला, ये दूसरा आर्म निकला, तो साफ साफ दिखाई देती है कहां से आर्म निकलती है। एग्जाम्पल है ब्रिटल स्टार। उसके बाद बेटा आ जाता है इक्निडिया। इक्निडिया के अंदर आती है डिस्क लाइक और ग्लोबुलर बॉडी, डिस्क लाइक ग्लोबुलर बॉडी, और इसके अंदर एक अपरेटस होता है बेटा एरिस्टोटल लैंटर्न, जिसको बाइटिंग और चीविंग अपरेटस बोलते हैं। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आता है एरिस्टोटल लैंटर्न किसमें पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, इकाइनस यानी सी अर्चिन में, यानी इक्निडिया जो ऑर्गेनिज्म है उसके माउथ में पाया जाता है, जो कि बाइटिंग और चीविंग अपरेटस है, माउथ की तरह उसको ये यूज करता है। ओके याद रहेगा एरिस्टोटल लैंटर्न, ध्यान रखना। मोलस्का वाला ऑर्गन अलग था, मोलस्का वाले ऑर्गन का नाम अलग था, जो फूड को स्क्रब करने के काम आता था, ध्यान आया, ठीक है। ये एरिस्टोटल लैंटर्न जो है ये बेटा सी अर्चिन के अंदर सेम उसी टाइप का ऑर्गन है जैसे मोलस्का के अंदर, क्या नाम था उसका, रेडुला। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ओके चल, ये बेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ये देखो ये बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है, देखो मैं इसको बना देता हूं। ये मैंने आर्म बना दी, ये आर्म के बीच में जो हल्का सा डिप्रेशन होता है उसका नाम बेटे क्या होता है, एम्बुलेक्रल ग्रू। अब देखो आप ये मैड्रीपोराइट जो है, ये मैड्रीपोराइट जो है ये सीव लाइक स्ट्रक्चर होती है, छननी की तरह होता है। तो वाटर जो होता है मैड्रीपोराइट से इसकी बॉडी में अंदर एंटर करता है, फिर ये इस कैनाल से आता है जिसका नाम बेटा स्टोन कैनाल होता है। स्टोन कैनाल से बेटा ये ऐसे ऐसे पानी घूमता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा स्टोन कैनाल में जो पानी घूमता है, ये घूमता घूमता कहाँ आ गया, गोल वाली कैनाल में आ गया जो ऐसे है रिंग कैनाल के अंदर। ओके डियर, अब जो रिंग कैनाल है मेरा बेटा, जो रिंग कैनाल है, रिंग कैनाल में से देखो ये कैनाल निकली, ये देखो ये कैनाल निकली, ये निकली। तो रिंग कैनाल में से बेटा जो निकली वो निकली रेडियल कैनाल, तो पानी आ गया रेडियल कैनाल में। अब ये देखो रेडियल कैनाल के बाद पानी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऐसे, ठीक है। ये जो ऐसे जो एक स्ट्रक्चर मेरा बेटा बनी हुई है, ये एक स्ट्रक्चर जो बनी हुई है, इसी स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, ट्यूब फिट। और ट्यूब फिट के तीन पार्ट होते हैं, ये इसका एम्पूला होता है, यहां से इसकी बॉडी बोलते हैं, यहां पे बेटा इसको पोडियम बोलते हैं। तो पानी जो होता है वो ऐसे यहां पे आ जाता है। ये जो पोडियम होता है बेटा, ये पोडियम की हेल्प से चिपकता है, एडिशन का काम करता है पोडियम की हेल्प से। तो कहा था ना फूड कैप्चर में हेल्प करता है, तो ये जो पोडियम होता है ये चिपकने का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, तो इसकी हेल्प से चिपकता है। तो पानी रेडियल कैनाल में आ गया। अब रेडियल कैनाल से जो छोटी छोटी कैनाल आपको दिखाई दे रही है ये वाली लाइक दिस, ये पूरी रेडियल कैनाल है, ये इसमें से जो कैनाल निकल रही है क्या है बेटा, ये लेटरल कैनाल है। तो लेटरल कैनाल से पानी कहाँ गया, ट्यूब फिट में। ट्यूब फिट से पानी कहाँ गया, बाहर चला गया आउटसाइड, ठीक है, और बाहर से पानी फिर इस तरीके से इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। ये मैड्रीपोराइट बड़ी चीजों को फिल्टर कर लेता है, सिर्फ छोटी चीजों को अंदर आने। तो इस तरीके से वाटर का जो मूवमेंट होता है माय डियर, दैट इज नोन एज, यहाँ पे जो इसकी स्ट्रक्चर होती है ऊपर की तरफ क्या होती है, एनस होती है, नीचे क्या होता है, माउथ। तो इसे हम बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो जब पानी बाहर गया, बट पानी बाहर अंदर आने से या जाने से गैमिट का लेना देना नहीं होता, जो गैमिट होते हैं उनकी ओपनिंग सीधी अलग से होती है वाटर के अंदर, सीधा गैमिट पानी में छोड़ देता है, बात खत्म, इससे रिलेशन नहीं होता, इसलिए रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ये नहीं करता। ओके बेटा चलिए आगे देखते हैं।
ये मैंने थोड़ा सा स्टारफिश का डायग्राम थोड़ा और डिटेल में दिखाया आपको। ये देखो, ये ऊपर एनस है, ये डोर्सल सरफेस है, ये वो जो मैड्रिपोराइट जिसके बारे में बात कर रहा था वो है। अब बेटा ये देखो, ये इसका ये बड़ा सा, कितना बड़ा सा है, ये तो बहुत बड़ा है ना। ये इसका स्टमक है, पेट है, देसी भाषा में पेट बोल देते हैं। ये नीचे इसका बेटा माउथ है, ये देखो ये गोल गोल, ये ठीक है। ये जो गोल गोल है बेटा, ठीक है, ये गोल गोल क्या है, ये रिंग कैनाल है। उसके बाद ये रिंग कैनाल में से ये क्या निकली, येलो वाली रेडियल कैनाल। ये बीच में जो डिप्रेशन होता है एम्बुलेक्रल ग्रूव, ठीक है। तो रिंग कैनाल से रेडियल, रेडियल से कहाँ गया पानी, ट्यूब फिट में, ठीक है। अब दूसरी आर्म के अंदर देखा कि दूसरी आर्म में डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है। देखो ये डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर जो होती है बेटा, ये स्टमक से कनेक्टेड होती है, डाइजेस्टिव जूस को स्टमक में डाल देती है जिससे फूड का ब्रेकडाउन हो जाता है। इसलिए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना आता है एक ओपनिंग से बाहर दूसरी से जाता है। ये बेटा इसके गोनाइट्स हैं, गोनाइट्स की ओपनिंग सीधी बाहर होती है, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। ओके बेटा, वीडियो अच्छे लगते हैं तो भूला करो, एक्सप्रेस किया करो अपने आप को, है ना। और कुछ दिनों में मैं ये डाउट आपके सोल्व करने का कुछ मैं सोच रहा हूँ, तो डाउट सॉल्यूशन के लिए मैं कुछ ना कुछ आपके लिए नया सोचूंगा, ठीक है। तो कुछ दिन में आपको पता चल जाएगा। फिनिश, तो मैं चुप हो जाता हूँ, आप ये क्वेश्चन सोल्व करके देखिए फटाफट। तीन क्वेश्चन ये लगा के देखिए। ओके बेटा, आगे इनके आंसर देख लेते हैं। तो ये आंसर है आपके, ओके। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने सारे क्वेश्चन सही से किए होंगे। नहीं किए तो क्वेश्चन आप लेक्चर को दोबारा देखिए, दोबारा से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। और आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है, आपको लगता है कि वाकई में इससे हम उन बच्चों की हेल्प कर पाएंगे जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों के हम लोग इससे हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ें जानने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में बता सकते हैं। बस इतना ही ऐड मुझे करना आता है, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट मुझे नहीं आता। ओके चलिए, चल बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना बस थोड़ा सा हेमी कोऑर्डिनेट है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।